नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जब से नया कानून लागू हुआ है, आप लोगों को वीडियो बहुत देखने को मिली होंगी, पर ऐसी वीडियो आप लोगों को कभी न देखने को मिली है और न देखने को मिलेगी। इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आपका जो विशेष अधिकार है, आम पब्लिक का विशेष अधिकार, इसमें जो अधिकार है उसको जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस बात को जान लिए हैं तो इस नए कानून में पुलिस आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकती है। और पुलिस वालों को जो एक बहुत बड़ा पावर मिला हुआ है, उस पावर को वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ, ये चीज़ आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस एक ऐसा ग्रुप होता है कि जो पब्लिक को परेशान भी करती है और पब्लिक को राहत भी देती है। क्योंकि आज के टाइम में जो अपने पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको अपने पावर का दुरुपयोग करना बाखूब आता है। पावर का अपने सही से इस्तेमाल करना आए या ना आए, पर गलत इस्तेमाल करने का तरीका किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से उनको इस चीज़ का नॉलेज होता है। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसे नियम की बात करने जा रहा हूँ, जो नियम जितने भारतवासी हैं सबको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकेगा। क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, और लीगल एडवाइस की आप लोगों को किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में बता दूंगा, बड़ा मैटर है तो वीडियो को एक पैकेज बना करके आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे कमेंट भी आए हैं कि पुलिस अगर पब्लिक को गिरफ्तार करती है, उसे परेशान करती है नए कानून में, तो सर जी इसकी जानकारी दीजिए। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने जा रही है। तो दोस्तों, क्या होता है कि अभी तक जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती थी 1 जुलाई से पहले, नया कानून लागू होने से पहले, तो जब कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता था, किसी को गोली मार दिया या किसी के साथ मारपीट कर लिया, किसी के घर में डाका डाल दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो पुलिस उसको क्या करती थी, पकड़ लेती थी। पकड़ने के बाद क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसे पेश करना होता है। 24 घंटे में जैसे ही उसे पेश करते थे, पुलिस रिमांड जुडिशरी रिमांड में चेंज हो जाती थी और उसको जेल भेज दिया जाता था। अब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, ऐसे अपराध जिनमें पुलिस रिमांड 60 दिन की है, उसमें पुलिस फर्स्ट 40 दिन, और जिसमें पुलिस रिमांड 90 दिन तक की है उसमें फर्स्ट 60 दिन तक, पुलिस आपको कभी भी बुला सकती है, आपसे पूछताछ कर सकती है टुकड़ों में। ये नहीं कि 40 दिन तक इकट्ठा, 15 दिन तक के लिए, मतलब जिसमें 60 दिन तक की रिमांड है उसमें 40 दिन तक, 40 दिन के पहले, और जिसमें 90 दिन की रिमांड है उसमें 60 दिन के पहले 15 दिन की रिमांड पुलिस आपसे ले सकती है, वो भी टुकड़ों में, 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन करके। जैसे आप जमानत बेल पे आ गए हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लिए, किसी प्रकार के ले लिए हैं, तो पुलिस आपको जा करके फिर से उठा ला सकती है और आपसे पूछताछ कर सकती है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर छोड़ देगी, उसके बाद फिर आपको पकड़ के ला सकती है। वो ऐसे वो 15 दिन तक आपकी रिमांड पुलिस ले सकती है। यदि पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को थाने में या जेल में रखा जाएगा, अन्य किसी जगह नहीं रखा जाएगा, ये नए कानून का प्रावधान है। ऐसे मामले जिनमें सजा 3 साल या 7 साल से कम की सजा है, थाना अध्यक्ष ऐसे मामले में डिप्टी एसपी या उनसे ऊपर के पुलिस अधिकारी से अनुमति लेकर FIR दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। जांच को 14 दिन के अंदर पूरा करना होगा और इसकी आख्या अदालत को भेजनी पड़ेगी, जो एक सरकारी रिकॉर्ड में लिखा होना चाहिए।
तो मतलब कि दोस्तों जिनमें 3 साल से और 7 साल के बीच की सज़ा है, पुलिस को एक बहुत बेहतरीन पावर दिया गया है। वो थाना अध्यक्ष जो होते हैं वो चाहेंगे तो आपकी FIR होगी, वो चाहेंगे तो आपकी FIR नहीं होगी, क्योंकि वो अपने से बड़े अधिकारी से ये पूछने की छूट दे दी गई है कि मैं इसमें प्रारंभिक जांच करना चाहता हूँ। और अगर वो चीज़ को मांग रहे हैं, SP के पास से अनुमति ले रहे हैं कि FIR मैं इसमें दर्ज नहीं करना चाहता, मुझे इसमें कुछ संदेह दिख रहा है, मैं पहले इसकी प्रारंभिक जांच करके और उसका एक सर्वे करना चाहता हूँ, उसकी एक जांच करना चाहता हूँ, विवेचना करना चाहता हूँ कि कहाँ तक सच है और कहाँ तक सच नहीं है। अगर मुझे सच लगेगा तो 14 दिन के अंदर मैं इस जाँच को पूरी करके FIR करूँगा, दर्ज करूँगा। अगर नहीं होता है तो एक सरकारी कागज में उसका रिकॉर्ड बना करके मैं कोर्ट में पेश करूँगा, क्योंकि मुझे इसमें कुछ संदेह लग रहा है कि जो मैटर मेरे पास आया है। तो ऐसे इसमें पुलिस वालों को नए कानून में अधिकार मिला है और इन अधिकारों से आम पब्लिक को बच के रहना है। अगर आप लोग इस चंगुल में फंस गए हैं तो समझ लीजिए कि आपको की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये बात पहुँच सके। धन्यवाद।